नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट करके लगातार कह रहे थे कि सर इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर दीजिए। आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया इस लड़के को सामने रखकर। दोस्तों, मैं आपके सामने पूरा सीन क्रिएट कर रहा हूं और इस सीन को क्रिएट करने का मकसद है ताकि आप पूरे इस मर्डर मिस्ट्री को समझ सकें और समझ सकें कि आखिर किस तरह से इसको मैनेज किया गया और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हत्याकांड के पीछे इस लड़के के अलावा दो और मैन किरदार थे। समझ रहे हैं आप? एक नहीं, दो किरदार थे। एक किरदार दूर से बैठकर बच्चे को गाइडेंस दे रहा था, उसका हौसला बढ़ा रहा था, इस लड़के के सबसे नज़दीक था, और एक इसके पास रहकर इसका माइंड वॉश कर रहा था। दरअसल ये हत्याकांड जब से हुआ उसके बाद से लगातार थ्योरी बदलती रही। पहले पबजी केस आया, पबजी के बाद जब ये मामला सुगबुहाट के रूम में सामने आया कि इस पूरे मामले में सिर्फ लड़के का एडिक्शन होना है पबजी के लिए यही नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद कुछ और था। इस लड़के ने 4-5 रात की दरमियान इस हत्याकांड को अंजाम दिया और लगातार 3 दिन तक लाश घर में पड़ी रही और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहा, वो लड़की भी साथ रहती रही। कैसा संभव है कि 10 साल की लड़की और 16 साल का लड़का एक लाश के साथ लगातार 3 दिन रह सके? नहीं संभव। एक साथ ये भी कि हत्या के तुरंत बाद अपने पिता को आधे घंटा वीडियो कॉल के थ्रू क्या बात होती रही, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा ये कि हत्या को अंजाम देने के बाद ये लड़का अपनी माँ की स्कूटी लेकर किसके पास गया था। इन तीनों सवालों को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि ये लड़का अपने पिता के बहुत नज़दीक था, पिता की हर बात मानता था, घर में जो विदेशी पिस्टल थी उसकी ट्रेनिंग भी इसके पिता ने दी थी, और ये अपने एक दोस्त के पिता के पास जाकर भी इसकी ट्रेनिंग लेकर आया था, इसको चलाने की प्रैक्टिस की थी। पिस्टल अनलॉक नहीं थी, इसको अनलॉक कैसे किया जाए, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, सारी चीज़ें इसको पता थी। इसके पिता लगातार इसका हौसला बढ़ाते थे और दूर बैठकर ही उनसे कम्युनिकेशन होता था। दरअसल आप समझिए, एक शख्स जो दूर बैठा था, वो जो रिश्तों में आई कड़वाहट को ख़त्म करना चाहता था, वो कड़वाहट सिर्फ तभी ख़त्म हो सकती थी जब साधना सिंह ख़त्म हो, और उसने दूर रहते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया। अपने आप को बिल्कुल बाहर रखते हुए, नाबालिग लड़के को आगे रखते हुए, नाबालिग लड़का, क्योंकि पता है कि 16 साल का लड़का अगले 2 साल में 3 साल में बाहर आ जाएगा, और इसीलिए इसको आगे लाया गया। और पबजी की जो थ्योरी थी पुलिस ने जो रखी गई, वो इसीलिए परिवार सहमत हुआ क्योंकि उनको लगता था कि परिवार के 2-3 लोग और जेल में न जाकर अगर ये लड़का चला जाए और 2 साल बाद आ जाए तो पूरा मामला सेट हो जाए। लेकिन साधना सिंह का परिवार इसके लिए सहमत नहीं है। उनका कहना था कि इस लड़के के अलावा उस किरदार को, वो महत्वपूर्ण शख्स भी जेल में जाना चाहिए जिसने इस पूरे हत्याकांड को रचा। और उनका कहना है कि इसके पीछे सिर्फ वही महत्वपूर्ण किरदार नहीं, एक दूसरा किरदार भी है जो यहाँ पर रहता था, जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के बाद से ये लड़का लगातार अपने बयान बदलता रहा। पुलिस को जब शुरुआत में आए, घर से बाहर ये इंतजार कर रहा था, तो उसने कहा कि एक इलेक्ट्रीशियन आता था घर में, उसके साथ माँ का झगड़ा हुआ और ये मर्डर हुआ, उसका नाम भी सामने आया था। और इसके बाद फिर अपने पिता से पिता की जो लाइसेंसी पिस्टल को दिखाता है कि इस पिस्टल से मैंने माँ का कत्ल कर दिया। यानी दो चीज़ एक साथ ये लड़का बोलता रहा। और इस लड़के की जब काउंसलिंग हुई, साइकोलॉजिस्ट ने इनसे बात की, डॉक्टर, लॉयर और जो बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने पूछताछ की, उसमें भी ये निकल कर आया कि ये लड़का पिता के बहुत नज़दीक था लेकिन माँ के कितने खिलाफ नहीं था कि उसका मर्डर कर दे। इसके मन के अंदर ये जहर बोया गया इसके नज़दीक, जिसके सबसे नज़दीक था उस व्यक्ति ने। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साथ आप समझ गए होंगे, सीन जो क्रिएट मैं करना चाह रहा था वो शायद सीन आपके आंखों के सामने आ गया होगा कि रिश्तों को जो ख़त्म करने की चाहत एक व्यक्ति की थी और वो कानून के फंदे से भी बचना चाहता था, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। खुद दूर बैठकर एक व्यक्ति और था जो यहाँ पर था, वो इसको सपोर्ट करता रहा, जिससे मिलने रात को 2 बजे गया था,
और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि इस हत्याकांड को 4-5 जून की रात को मर्डर हुआ और 7 तारीख तक ये लड़का, इसकी बहन यहाँ पर रहे। लड़का इतना क्रिमिनल माइंड नहीं था, अगर इसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया होता तो ये अपनी बहन की भी हत्या कर जा सकता था। लड़का संवेदनशील था और अपनी बहन का भी केयर करता रहा। ये लड़की ने खुलासा किया है अपने परिवार के साथ कि खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा ध्यान रखा। ये किरदार अभी बिल्कुल सामने पुलिस नहीं कर रही, इसलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन ये सीन आपके सामने जरूर साफ हो गए होंगे कि इस लड़के के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रिगर 2 और लोग दबा रहे थे जो साधन सिंह को रास्ते से हटाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जाहिर है आप लोगों ने कमेंट किया तो मुझे बताना पड़ा कि वास्तव में ये क्या था। मैं जल्दी वो तमाम चीज़ें और आपके सामने रखूँगा। आपका कमेंट मैं लगातार पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ ठीक हो उस पर मैं लाइक भी करता हूँ। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।